हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वन सेकंड। मैं हूं आपका ड्राइव मैन आकाश। जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, लोग उसी से अभी बुला रहे हैं। तो एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर होने के अलावा जो मेरा जॉब का प्रोफाइल है वो है कि मैं मर्चेंट नेवी का एक सेलर हूं, इंडियन सी फेयरर, वो जिसको कहते हैं इंडियन नेवी नहीं मर्चेंट नेवी, जो कार्गो शिप्स पैसेंजर शिप्स पर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चलो अपने चैनल पे जो अपने सी फेयरर भाई हैं उनको कुछ हेल्प कर दूँ। तो आज का ब्लॉग इसी के है ऊपर। मैं जा रहा हूँ ARI 6 पंचकुला अपना PSCRB रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए, जो एक दिन का कोर्स है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, टू बी प्रिसाइज आज का डेट है 18th of August 2022। 19 तारीख की मेरी बुकिंग है, ऑनलाइन हो गई थी, 7300 क्रेडिट कार्ड से पे हो गया था। ठीक है, ARI का जो है बहुत ही मतलब सीमलेस है वो, मतलब आराम से हो गया। तो डिटेल सब कुछ और डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल, PSCRB मेडिकल लेके जाना है और एक फ़ोटो। तो मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली से मैं अभी जा रहा हूँ पंचकूला अपनी गाड़ी से। देख सकते हो रिफ्यूलिंग कर ली है एंड मतलब अपनी गाड़ी से जाना ही ठीक है, क्योंकि अभी कोविड का है एंड रिसेंटली कोविड भी हुआ था। तो चलते हैं हमारे साथ, मतलब आप चलिए हमारे साथ और देखते हैं PSCRB रिफ्रेशर क्या होता है एंड पंचकुला का क्या एक्सपीरियंस है। वैसे आज रात के लिए मैंने एक रिजॉर्ट बुक किया है, वेलकम रिजॉर्ट, जो कि ARI के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ से कुछ 4 या 5 किलोमीटर है। एंड यहाँ से अभी शो का डिस्टेंस उस रिजॉर्ट का 3 घंटा 53 मिनट, मतलब 4 घंटे 216 किलोमीटर। तो आई गेस ट्रैफिक भी उतना कुछ नहीं होगा एंड शिव जी का आशीर्वाद लेते हुए, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। अभी मैं एक फ्यूल पंप में हूँ जहाँ से मैंने तेल लिया। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, करते हैं जर्नी को शुरू एंड क्या क्या होगा, क्या नहीं, कितने स्पेंडिंग्स है, वो सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये है कि कोर्स की फ़ी है 7300, वेलकम रिजॉर्ट का एक दिन का फेयर था मेक माई ट्रिप से 1500 के आसपास विथ इंश्योरेंस। ब्रेकफास्ट लंच डिनर अलग से है एंड जाने में जो पेट्रोल है वो तो है, वो तो आपकी गाड़ी के ऊपर, आपकी बाइक के ऊपर है। तो चलते हैं एंड वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 11:30 सुबह के। तो घर से निकला था मैं 10:15 को और अभी मैंने हाईवे जो है NH44 जो मूर्थल सोनीपत होते हुए चंडीगढ़ की ओर जाता है, जम्मू की ओर जाता है, इस हाईवे को मैंने अभी टच किया है एंड यहां से मुझे अभी डेस्टिनेशन शो कर रहा है 200 किलोमीटर पूरा एंड 3 घंटे 22 मिनट और मेरा ETA शो कर रहा है 2:45 बजे का। तो आई थिंक ये रोड में ज़्यादा जाम नहीं है एंड मैं एक अच्छा स्पीड जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, 60, 80, 70 ऐसा। ठीक है, तो आई होप कि मैं अपने डेस्टिनेशन में एकदम ठीक टाइम पे पहुँच जाऊँगा एंड ट्रैफिक कम रहेगा। तो मैं बीच में एक प्लेस में रुक के थोड़ा सा चाय स्नैक्स कुछ लूँगा भी। तो रोड के शॉट्स मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रोड क्या है आपको देखना है। मेरे ख्याल से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ARI पंचकुला को देखना चाहते हैं, वहाँ का क्या सिचुएशन है, क्या है, वो सब कुछ देखना चाहते हैं। तो रोड के शॉट्स इतने ही हैं एंड अब जो है जहाँ जहाँ मैं रुकूँगा एंड जो होगा उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये एक नया कुछ ढाबा खुला है जिसका नाम है फ्लेवर्ड उड़ान, हवा अड्डा मुरतल, हवाई अड्डा मुरतल। इसके लिए मैंने स्पेशल रुका हूँ मैं। ठीक है, ये देखो गाड़ी, मैंने अभी यहाँ पे जानबूझ के स्टॉप लिया ये प्लेन देख के। तो अभी रास्ते में लंच टाइम हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 12
12:30 के आसपास हुआ है, तो जहाजी लोगों के लिए 12 बजे मतलब लंच टाइम, ठीक है। तो रास्ते से जब मूर्थल से निकल रहे तो पराठे ना खाए तो क्या खाए, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, जैसे बीच रास्ते में मैं रुक के एक दिखाया हवा महल कुछ था, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है वो कभी और एक्सप्लोर करेंगे। आज थोड़ा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो हम आए हैं धर्म जी के ढाबे में, ठीक है, गरम धर्म, ठीक है। तो चलते हैं गरम धर्म में। ये देखिए, ये है गरम धर्म। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी भी है बहुत अच्छी, गार्ड भी है, गाड़ी यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए मेरा चैनल का नाम आप देख सकते हैं, तो इसी बहाने एक सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर दीजिए। चैनल का नाम है ड्राइव मेनियक, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब हम चलते हैं मास्क पहन के गरम धर्म में। ओके, तो आज के लिए गरम धर्म का जो ट्रिप का स्टॉप था वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन में 3:30 के पहले पहुँच जाऊँ, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि रात को ठीक से नींद नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि निकलना था ये सब कुछ था। तो प्लान हुआ था कि सुबह को मतलब निकल जाएंगे। तो इन शॉर्ट बता देता हूँ, एक गोभी का पराठा, जैसे आपने देखा वीडियो के लास्ट में कि गोभी का पराठा और एक लाइम सोडा लिया, और उससे वहाँ पे बिल हुआ है 168 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। एंड खाना का टेस्ट भी अच्छा था, एंड आई लाइक्ड इट। और मैं चाहूँगा कि वापस मैं गरम धर्म में आऊँ। तो करते हैं जर्नी को रिज्यूम। अभी यहाँ से 166 किलोमीटर्स है होटल वेलकम जो है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। एंड टाइम शो कर रहा है 2:33, तो 2.5 घंटे में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब मैं कोई स्टॉप नहीं लूँगा, डायरेक्ट होटल में जाके रुकूँगा। सामने एक टोल गेट है, ठीक है, टोल गेट। ये कौन सा टोल है ये मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन आई थिंक ये जो है मूर्थल का टोल है। वार्निंग, पुलिस कंट्रोल हॉटस्पॉट। यस, अब टोल जो है ना फास्ट टैग होने से यही है कि अच्छे से हम जो है निकल सकते हैं। एंड ये शायद से मूर्थल का टोल है, और 4-व्हीलर है तो टोल के पैसे देने होंगे। यही मैं रॉनिन लेके जाता अपनी, तो टोल नहीं देना चाहता था, लेकिन यही बात है, धूप इतनी है कि वहाँ जाते आते मैं बीमार पड़ जाता, इसके लिए मैंने टोल जो है देने का फैसला लिया, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गेट पास द टोल गेट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं ARI पंचकुला में, सेक्टर 5 में जो है, बिल्कुल ही ईजी ऑफिस है, वहाँ जाके आप अपनी गाड़ी रख सकते हो, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड यू ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम देयर टू देयर जो इंस्टीट्यूट प्लेस है, वो थोड़ा सा रूरल प्लेस में है, तो दे विल प्रोवाइड यू कैब, एंड वहाँ से आप जो है वहाँ जाके आप अपनी जो PSCRB और PST के जो जंप्स है वहाँ पे, मतलब स्विमिंग पूल है, बोट है, एंड फायर फाइटिंग भी वही पे होती है। तो इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम पंचकुला ऑफिस टू रीच टू दी प्लेस, एंड मेरा जंप हो गया है, एंड वो वीडियो भी मैं टाइम लैप्स पे डाल दूंगा। एंड द प्रोसेस इज़ वेरी नाइस। पहले तो वहाँ जाके 40 मिनट का आपको एक थ्योरी क्लास होगा, एंड एक चाय एंड समोसा जो आपका ब्रेकफास्ट है वो भी दिया जाएगा वहाँ पे।
एंड राइट नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू द पंचकुला ऑफिस. वहाँ जाके हमारा एग्जिट एग्जाम होगा एंड फिर वहाँ से जो है 72 आवर्स के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा. तो थोड़ा रोड के शॉट्स में डाल देता हूँ. एक्चुअली फुल ऑफ ग्रीनरी एंड थोड़ा ऑफ रोडिंग भी है, तो आप अगर अपनी कार लाना चाहते हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो फ्रेंड्स आई एम बैक अगेन. तो आपको मैं बोल देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल के बाद क्या हुआ. एक्चुअली प्रैक्टिकल के बाद हमें वापस पंचकुला के वो ऑफिस में ले गए. वो एक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे जाके 1:30 बजे से हमें वहाँ पे बिठा के वीडियोस दिखाए गए, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिखाए गए जो वहाँ पे आएंगे. ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सैम्पल क्वेश्चंस में से एग्जिट एग्ज़ाम में एक भी नहीं आया वो मेरे, एंड आपका भाई जो है पास कर गया. ठीक है, तो पास करने के बाद सर्टिफिकेट 72 घंटे में जनरेट होगी, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो है कि से ये इंस्टीट्यूट में आपको लंच प्रोवाइड नहीं किया जाता है रिफ्रेशर में, तो आपको अपने पैसे से लंच करना है या फिर लेके आना है. ठीक है, आप अगर पास किए हो तो आप लेके आ जाना. अभी हाल ये है कि मेरा ये सब कुछ क्लियर हो के मैं 4:00 फ्री हो गया. अभी टाइम हो रहा है 4:30. ठीक है, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आपको. ठीक है, ये हालत है अभी. और यहाँ से मैं अभी घर जाऊँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे GPS शो कर रहा है, और मैं अभी यहाँ से निकलूँगा एंड ब्लॉक नहीं, तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ. आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा फील हुआ, एंड PSERB रिफ्रेशर का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वो राउंड अप था वो कैसा फील हो. एक्चुअली आई एम सॉरी कि मैं पंचकुला का वहाँ का जो ऑफिस का है वहाँ का मैं क्लिप ले नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे पहले तो बारिश हो रही थी एंड फिर उसके बाद वहाँ पे टाइम नहीं था. ठीक है, तो आप लोग शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा फील हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगले ब्लॉग तक सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, अपने शहर को साफ रखिए और अपना ख्याल रखिए. ठीक है, और अगले ब्लॉग में आप लोग को क्या चाहिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वो आप लोग जो है लिख देना, मैं वो चीज़ पे वीडियो बना दूंगा. वैसे भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और भी वीडियोस अभी आएंगे. मैं अपने शेयर मैंने व्यूज़ जो है मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूंगा. तो तब तक के लिए वेट कीजिए और मैं पहुंचता हूँ घर. ठीक है, थैंक यू.